हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट हो या एमएनसी कंपनी हो, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये हर एक स्टूडेंट से पूछे ही पूछे जाते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको 100% ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर देता हूं, ताकि जो मेरे साथ हुआ और जैसे मैं फेल हुआ कई इंटरव्यू पर, तो आपको ये फेलियर का सामना ना देखना पड़े और आप एक बार में अपने इंटरव्यू को क्रैक कर जाए। देखिए, क्वेश्चन यदि आपको पता होंगे जो मैं डिस्कस करूंगा, यदि क्वेश्चन पता होंगे तो ये नंबर इंक्रीज करने पर आपकी मदद तो करेंगे और वहां पर अदर लड़कों के कंपेरिजन में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ा देंगे। बट दोस्तों, उससे पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं जो कि आप जब इंटरव्यू देने से पहले, जब इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले आप जहां पर पहले बैठे होते, यानी कंपनी में यदि आप एचआर की टीम जहां पर बैठती है वहां पर इंटरव्यू देने के लिए अंदर आप जाओगे, उससे पहले आप जिस हॉल में बैठे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहां पर लगा होता है सीसीटीवी कैमरा। तो आप होते हैं सीसीटीवी कैमरा की नजर में और एचआर की टीम का लैपटॉप पर नजर होता है, जो कि आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करती रहती है जब आप वहां हॉल में बैठे होते हैं। आप वहां पर आप कौन सी सावधानियां रखनी है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो दोस्तों, वहां पर सबसे पहले तो आपको कुछ भी चीज स्टडी नहीं करनी, पढ़ाई नहीं करनी जब आप वहां पे हाल में बैठे हैं, इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। और दूसरा दोस्तों, आपके बैठने का पोस्चर जो है, ढंग जो है, वेल तरीके से मेंटेन होना चाहिए। वहीं से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है और आपका बात करने का जो मतलब आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो आप वहां पर ज्यादा ओवर स्मार्ट या ज्यादा किसी से बात मत करिए। आप अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट के साथ बैठिए आराम से, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपका इंटरव्यू वहीं से चालू हो जाता है और वहां पर ही ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर चालू हो जाती है। निगरानी आचार की या फिर मैनेजमेंट के जो इंटरव्यूअर होते हैं, वहीं से निगरानी आपके ऊपर बनी रहती है। वो ध्यान देते रहते हैं बीच बीच में, वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी लड़के, जितने भी लड़के वहां पर आए होते हैं, उन सब पर ध्यान। अभी जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब कुछ बेसिक है जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिस वजह से मेरा वहां पे फेलियर का सामना करना पड़ा किसी भी प्राइवेट या किसी भी एमएनसी कंपनी पे। तो दोस्तों, वो चीजें आपको ना फेलियर का सामना करना पड़े, उसके लिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ, एकदम से ग्राउंड लेवल की बातें, ताकि आप वहां पर ये चीजें आप सुधार लेंगे और जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चंस आपको पता होंगे, तो 100% चांस बनता है कि आप अदर लड़कों के कंपैरिजन में अधिक नंबर गेन कर जाओगे और आप अलग ही इम्पैक्ट छोड़ जाओगे एक इंटरव्यूअर के माइंड पर, और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी गुना बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा जो मैं बात डिस्कस कर रहा था वो आपके ड्रेसिंग पर बात कर रहा था, क्लॉथ पे प्रेस होना चाहिए, फॉर्मल यूनिफॉर्म और फॉर्मल शूज होने चाहिए, और आपके शेविंग और हेयर स्टाइल्स एकदम से फॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो थर्ड बात है, आपका कॉन्फिडेंस जो मेन आई कॉन्टेक्ट से झलकता है, और आपका फेशियल एक्सप्रेशन और आपका बिहेवियर, आपका स्टैंड पोजिशन यानी खड़े होने का तरीका, कई लड़के होते क्या है कि इस तरह से या इस तरह से खड़े रहते हैं या फिर कहीं ठेंक कर खड़े हो जाते हैं, ये सब कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। खास तौर पे उस दिन एक दो घंटे की बात होती है, आप उस दिन इतना तो मेंटेन कर ही ले रहे हैं यदि आप इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं ये सब बातें आपसे इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीजें फील की हैं, पर्सनल और ग्राउंड लेवल में फील की हैं, और अब मैं जस्ट जो काम कर रहा हूँ मैं पिछले 4 सालों से इंडस्ट्री में, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस क्यों रिपीट किए जाते हैं बार बार, कोई भी इंटरव्यूअर क्यों ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करता है, अब मुझे इस चीजें समझ में आती हैं कि आखिर एक्चुअल में क्यों रिपीट किए जाते हैं, और आखिर यहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू पर ही आपका पोजीशन डिसाइड कैसे इंटरव्यूअर कर देता है, और वहां पर आपको पता भी नहीं चल पाता है आपके बोलने के तरीके से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके नॉलेज वहां पे मैटर नहीं करती दोस्तों, आपका वहां पे जो बिहेवियर है, मैनर, डिसिप्लिन है, इन सब चीजों के नजर रखते हुए एचआर जो है, इंटरव्यूअर जो है, वहां पर आपका पोजीशन और आपका डिपार्टमेंट भी डिसाइड कर देता है, आपकी सैलरी भी वो एक्चुअल में माइंड में गेस भी कर लेता है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन जरूर जानना चाहता है। तो इन क्वेश्चंस को तो पहले बाद में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले कुछ चीजें अब आप जान लीजिए। जैसे कि आप जब इंटर करेंगे किसी भी इंटरव्यूअर के रूम में या फिर हॉल में, जब आप इंटर करेंगे सबसे पहले आप परमिशन लेंगे, आप वहां पर इंटर करने से पहले आप परमिशन लेंगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, जो भी वहां पर अंदर बैठे हैं आप अपने हिसाब से परमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको जाकर वहां पे जहां पे चेयर है आपके बैठने के लिए, वहां पर जब आपको बुलाया जाता है तो आप जाइए, और फिर उसके बाद वहां पर आपको तब तक नहीं बैठना जब तक आपको परमिशन ना दे। जैसे आपको परमिशन देते हैं तो आप बैठिए और उनको थैंक्स बोलिए। अब दोस्तों, वो आपसे पूछेंगे आपके बारे में और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, वो बस ये पूछेंगे, क्वेश्चन ये करेंगे आपसे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब क्वेश्चन में इंटर करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोस्तों कोई भी कंपनी किसी भी लड़के को हायर इसीलिए करती है कि वो कंपनी किसी भी लड़के से अपना कंपनी का प्रॉफिट देखती है, और आप यदि ये चीजें प्रूव कर देते हो बातों ही बातों से, यदि आप इतना कॉन्फिडेंस झलका देते हो अपने अपने बिहेवियर से, अपने बातों से, दोस्तों यदि आप ये शो कर देते हो, ये बात प्रूव कर देते हो अपने बातों से और अपने
जवाब से या फिर अपने आंसर से इंटरव्यूअर को कि आप ही हो बेस्ट और आप दे सकते हो बेस्ट कंपनी को और कंपनी को और भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो और आप जो भी काम करोगे उस पर 100% श्योर है कि आप एक प्रॉफिटेबल काम करोगे और आप कंपनी को लास्ट में कभी नहीं ले जाओगे और आप एक एक्टिव पर्सन हो और आप दोस्तों 100% काम के प्रति डेडिकेटेड हो और आप एकदम से होनेस्ट रहिए, वहाँ पे ट्रूथ बोलिए और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, बिल्कुल लगना चाहिए कि आप बिल्कुल ट्रूथ हैं और स्मार्टली ट्रूथ बोलना है, ना कि आपको ऐसा शो हो जाए कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल का थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस होता है वो कमी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपने तरीके से अपने एटीट्यूड में बैठिए और बिल्कुल ऐसा शो करिए कि आप ही हो इस कंपनी के लिए बेस्ट। बस यदि आपने इतना एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपके सिलेक्शन होने से रोक सके। लेकिन आप ये क्वेश्चंस के बारे में यदि आप जान लेते हैं तो आप क्वेश्चन का स्मार्टली जवाब दे पाएंगे और पहले से ही प्री प्लान कर पाएंगे कि हमें आंसर क्या देना है। तो चलिए हम जान लेते हैं वो 8 रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में जो कोई भी प्राइवेट कंपनी या एमएनसी कंपनी रिपीट करती है बार बार और पूछती है स्टूडेंट से, और क्यों ऐसा करती है इस चीज के बारे में आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, और कैसे इन क्वेश्चन से ही आपकी सैलरी डिसाइड हो जाती है भले ही आप एक्सपेक्टेशन कुछ भी बोल रहे हैं वहां पे। तो चलिए हम इन क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो दोस्तों आप अपने बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो आपको जानने वाली बात यह है कि कंपनी के जो एचआर की टीम है, इंटरव्यूअर है, उनके पास आपका रिज्यूम है, तो आपको पूरा एकदम से रिज्यूम का बायोडाटा नहीं बोलना है वहां पे। बस आप अपना नाम बोल सकते हैं, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बोल सकते हैं, आप किस फील्ड से किस बैकग्राउंड से हैं या फिर आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएंगे, सब कुछ वैसे भी आ जाता है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, और दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उस चीज के बारे में भी बता सकते हैं, फिर आपके पास स्किल्स है तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इतना यदि आप डिस्कस कर देते हैं, बता देते हैं वहां पे, तो बस इसका जो है आपका ओवरव्यू है कंपनी के पास यानी कि एचआर की टीम के पास और इंटरव्यूअर जो होता है उसके पास ओवरव्यू चला जाता है और वो जान पाता है शॉर्ट में कि आप एक्चुअल में किस फील्ड से हैं, किस टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपसे आगे की क्वेश्चंस करता है। बस इतना ओवरव्यू लेने के लिए आपसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आपको जो है तो ज्यादा वहां पे कुछ भी ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, जो आपने जितना रिज्यूम में आपने करियर ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन क्या लिखा है, इतना सब कुछ उसके बारे में डिटेल्स नहीं बताना जितना आपने रिज्यूम में मेंशन किया है। शॉर्ट में बस एक ओवरव्यू देना होता है। अब चलिए दोस्तों मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ कि कंपनी आपसे क्या जानना चाहती है और क्या पूछती है। तो कंपनी जानना चाहती है कि आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं। अब दोस्तों आपने जो कंपनी छोड़ी है तो उसके बारे में कोई निगेटिव रिव्यू नहीं देना है, निगेटिविटी का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा शो करना है जैसे आप एक एक्टिव पर्सन है और एक कॉन्फिडेंट पर्सन है और आप एक बेटर पर्सन है जो कि इस कंपनी के प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे और प्रॉफिटेबल काम करेंगे और कंपनी को और भी आगे ले जाएंगे, यानी कंपनी जिस भी काम के लिए आपको हायर कर रही है आप उस काम में काफी अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, आप जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो उस पोस्ट के लिए आप ही बेटर हैं, बस आपको अपनी बातों से ये चीज प्रूफ करना है, ना कि आपको ज्यादा स्मार्ट या फिर ज्यादा बातें आपको वहां पे नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम अब जान लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में आपको आंसर क्या देना चाहिए, जैसे कि आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप आपको क्या आंसर देना है, दोस्तों आपको बस आंसर देना है कंपनी के, आपको कंपनी के साइड यानी कि कंपनी का बड़ाई करते हुए हमारे लिए गर्व की बात होगी, हमारे लिए ही नहीं बल्कि किसी के लिए भी गर्व की बात होगी कि हमें इस रिप्यूटेड कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है। यदि आप ऐसा आंसर देते हैं तो दोस्तों किसी भी कंपनी की आप बड़ाई कर रहे हो। देखिए एचआर का या फिर इंटरव्यूअर का ना आपके साथ कोई रिलेशन है, ना ही किसी लड़के के साथ कोई रिलेशन है कि वो किसी को भी हायर कर लेगी ऐसे ही। आपको वहां से अपने बातों से ऐसे प्रूव करना है कि आप ही बेटर हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्मार्टली आंसर देना है। दोस्तों ये 8 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर कंपनी जानना चाहती है, बस आपका स्मार्ट ओवरव्यू देखना चाहती है कि आप एक्चुअल में कितने स्मार्ट हैं, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कैसे आप वहां पे बोल पा रहे हैं, कैसा आपका कॉन्फिडेंस है, बस यही चीज कंपनी देखती है। नॉलेज तो एकदम से कुछ परसेंट ही मैटर करता है, जैसे कि 5-10% ही, बाकी 70-80% बस यही क्वेश्चन में जो ओवरव्यू देखा जाता है, आप वहां पे कैसे परफॉर्म करोगे, आप वहां पे किस तरह से किसी के साथ कैसे बिहेव करोगे, यहां पर ही पता कर लिया जाता है इंटरव्यू में। तो फ्रेंड जो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज योर वीकनेस। अब दोनों क्वेश्चन का जो आंसर देना है बिल्कुल स्मार्ट तरीके से देना है, और वीकनेस में इस वीकनेस कभी भी नहीं बताना आपको, अपनी वीकनेस में भी अपने अपने स्ट्रेंथ ही शो करना है, बट कैसे शो करना है उसमें एटीट्यूड आपका बिल्कुल नहीं झलकना चाहिए, आपका जो ईगो नहीं झलकना चाहिए, आप वहां पर बिल्कुल एकदम से समझ लीजिए सहज शब्दों में आपको शो करना है कि आपके अंदर जो वीकनेस है वो भी कंपनी के
प्रॉफिटेबल है, कंपनी के लिए बेस्ट है, कंपनी के लिए काम आ सकती है आपकी वीकनेस भी। बस आपको हर वक्त और हर जवाब में बस इतना शो करना है कि जो भी चीज़ आप बता रहे हैं, जो भी चीज़ आपके अंदर है, वो सब कंपनी के प्रॉफिट में काम में आएंगी। यानी कि कंपनी जो भी जिस भी पोस्ट के लिए, जिस बंदे को हायर करने वाली है, जो उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, बस उस पोस्ट में आप ही बेटर हैं। बस आपको हर वक्त यही चीज़ शो करना होता है। यानी कि जैसे स्ट्रेंथ में आप जान लीजिए कि जैसे आप बोलेंगे सर मेरे अंदर अडॉप्टेबिलिटी है। अब अडॉप्टेबिलिटी जो वर्ड है ये गागर में सागर की तरह होता है। जैसे कि अब किसी भी इन्वायरमेंट में आप अडॉप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, और आप अपने काम से काम रखते हैं, काम की बातें करते हैं, और आप डेडिकेटेड हैं किसी काम को लेकर। जिस भी काम को ले लेते हैं तो उसे आप ख़त्म जब तक नहीं करते तब तक आप गिव अप नहीं करते हैं। और दोस्तों आप ऑनेस्ट हैं किसी भी काम को लेकर। और दोस्तों आप पॉजिटिविटी है, आप हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है, और आप बता सकते हैं अपनी स्किल्स के बारे में। जो भी आप स्ट्रेंथ में ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ के बारे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ जो भी आपके अंदर और भी चीज़ें हैं, यदि आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो आप उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है आप अपने क्वालिटी को यहाँ पे बताना होता है, ताकि अलग ही इम्पैक्ट पड़े, अलग ही इंप्रेशन पड़े। और जब आप जिस भी चीज़ के बारे में बात करें, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर होनी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फेंक ऐसे कुछ भी बता रहे हैं, वहाँ पे ट्रूथ और हॉनेस्ट होना बहुत जरूरी है यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रूथ और हॉनेस्ट जो दो वर्ड हैं, और मैनर और डिसिप्लिन और बिहेवियर, ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं आपकी इस इंटरव्यू में। बस यही चीज़ देखी जाती हैं, और किसी भी कंपनी का जो इंटरव्यू आ रहा है या एचआर की टीम है, बस यही चीज़ें देखकर लड़के को हायर करती है। और पोस्ट के लिए जब आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल की जब बात मैं बताता हूँ आपको, जब आप वहाँ पे शो करते हैं कि हाँ आप ही बेटर हैं, ऐसा प्रूव कर देते हैं वर्डों से, तो दोस्तों वहाँ पर कंपनी बिल्कुल भी झिझक नहीं करेगी आपको लेने से, 100% वो आपका ही सिलेक्शन करेगी। तो जो मैं फेलियर का जब सामना किया और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने जो चीज़ पाया कि मैंने ऐसी क्या चीज़ें वहाँ पे मिस्टेक कर रहा था और यहाँ पर क्या इम्प्रूव किया मैंने, तब जाके मेरा जो वहाँ पे इंटरव्यू में निकला हूँ, तो दोस्तों मैं जो चीज़ पाया तो वो यही थी कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होने देना है अपने अंदर। आपको कॉन्फिडेंस हर बात पर रखना है, यानी कि आप जब बोल रहे हो तो जेब नहीं लड़खड़ाए, आप जब बोल रहे हो किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप रुक नहीं जाए। आपका माइंड क्या होता है कि एक्साइटमेंट में यदि आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप वहाँ पर आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है और आप बोल नहीं पाते हैं, और आपको पता होते हुए भी चीज़ें आप वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों वहाँ पर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को, तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा वहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं होना है। आपके अंदर एकदम से नॉर्मल जो आप जैसे बात करते हैं घर में दोस्तों के साथ, तो आपको वैसे ही रहना है। आपको एकदम से सामान्य रूप से बात करना है वहाँ पर जाकर, और सामान्य रहना है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डीप ब्रीथिंग भी अंदर से कर सकते हैं, बस 2 से 3 सेकंड के लिए, ताकि वहाँ पर आप जो है नॉर्मल हो पाए। ठीक है, वहाँ पर बैठने से पहले थोड़ा डीप ब्रीथिंग 1-2 बार करके बैठ जाइए, ताकि वहाँ पे नॉर्मल हो पाए। बस यही चीज़ मेन फंडा है। यदि आप वहाँ पे ज़्यादा एक्साइट हो गए हैं, फिर ज़्यादा आपके अंदर घबराहट सी पैदा हो गई है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा डीप ब्रीथ कर सकते हैं और थोड़ा सा रोक कर सांस को फिर धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की थोड़ी जो घबराहट है, जो बीपी जो थोड़ा सा हमारा हाई हो जाता है वहाँ पर घबराहट की वजह से, तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और आप एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे और बहुत ही आसानी से बात करने लग जाएंगे, कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। तो दोस्तों वीकनेस में क्या बताना है, तो चलिए जान लेते हैं वीकनेस के बारे में भी। तो दोस्तों आपको वीकनेस में भी थोड़ा स्मार्ट वे अपनाना है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि हमें फालतू बैठना पसंद नहीं है, हमें झूठ बोलना पसंद नहीं है, और दोस्तों हम जिस भी काम को लेते हैं उसमें डेडिकेटेड रहते हैं, यानी कि उस काम को जब तक खत्म नहीं कर देते। इसको अपने स्ट्रेंथ में बताया, इसको आप वीकनेस में भी रख सकते हैं कि मैं उसे तब तक गिव अप नहीं कर सकता हूँ। ये भी मेरी वीकनेस भी है जो कि मेरी स्ट्रेंथ भी है। और एक बात और रख सकते हैं आप, जैसे कि बिना काम के आप किसी से बातें भी नहीं करते हैं और काम की बातें करते हैं, और जो आपका काम होता है आप उस पर फोकस्ड रहते हैं। ये आपकी वीकनेस बताएंगे तो ये कंपनी के जो है प्रॉफिट में ही आएगा। तो मतलब यानी कि आप कंपनी को प्रॉफिट ही दोगे अगर आप पर्टिकुलर ये चीज़ें आपके अंदर हैं और ये आप बिल्कुल ट्रूथ बोल रहे हैं, ऑनेस्ट हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये 100% अलग इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने आपका। दोस्तों कंपनी का इंटरव्यूअर जो है, एचआर की टीम है, आपसे पूछ सकती है मैं आपको ये जॉब क्यों दूं, तो दोस्तों आप वहां पर आपको कुछ स्मार्ट तरीका बिल्कुल अपनाना नहीं है, ना ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट होना है। बस यहां पर आपको ऑनेस्टली जवाब देना है। लाइक आप अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपकी जो स्किल्स है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए मैच करता है, और आप बता सकते हैं जो भी चीज़ें आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपने अचीव किया पिछली कंपनी में या फिर आपने अपने कॉलेज में इंस्टीट्यूट में जो भी अचीव किया है, उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। इससे अलग इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंटरव्यूअर के सामने और आपका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा वहाँ पर ओवर स्मार्ट मत होइए, आप जो ट्रूथ है जो आप अंदर से हैं
और जो आपने अचीव किया है, जो आपके अंदर की क्वालिटीज हैं, आप उनको रख सकते हैं यहाँ पे, बातें बता सकते हैं कि आप मुझे इसलिए रखें कंपनी में। दोस्तों वो कंपनी का जो इंटरव्यूअर होता है इसलिए पूछता है मैं आपको ये जॉब क्यों दूं, तो बस आपको ये चीज शो कर देना यहाँ पर अपने बातों से कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज है, हमारे अंदर ये एबिलिटी है और हमारे अंदर ये स्किल्स है जो कंपनी के प्रॉफिट दिला सकती है, जो कंपनी गेन में ग्रोथ में काफी मदद करेंगी। आपके अंदर वो चीज है जो कंपनी के लिए चाहिए। तो दोस्तों आप इतना प्रूफ कर देते हो अगर इस क्वेश्चन पे तो 100% दोस्तों अलग इंपैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर पर और आपका सिलेक्शन होने के चांस यहीं से काफी बढ़ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। और दोस्तों जो वहाँ का इंटरव्यूअर होता है, कंपनी का एचआर होता है, तो पूछेगा कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। लाइक यदि आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे एमएनसी हो, आप उस कंपनी के बारे में इंटरनेट से उसकी वेबसाइट में जाकर आप काफी चीजें पढ़ लीजिए। जैसे अबाउट में जाकर, लिंक्डइन में सभी कंपनियों का प्रोफाइल होता है, आप वहां से अबाउट में जाकर कंपनी के बारे में डिटेल निकाल सकते हैं, ऑनर के बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। वहां पर आप इनके बारे में यदि आप बताएंगे तो दोस्तों वहां पर अलग इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट यदि आप बताते हैं, जानते हैं कुछ चीजें, तो ये तो रहेगा कि आप पर्टिकुलर ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। आप यहाँ पर आए हैं तो कंपनी के बारे में रिसर्च करके आए हैं और आपको काफी चीजें पता है और आप काफी चीजें अच्छे तरीके से बता भी पा रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें अलग इंपैक्ट पड़ती है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी तक मैं जो चीजें बताया इसलिए बताया दोस्तों कि जब आप वहां पर इंटरव्यू देंगे ना, तो जब आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका क्वालिटी है ना, क्वालिटी जब आप प्रोड्यूस करते हैं अपनी बातों से, तो वहां पर आपके डिपार्टमेंट भी तय हो जाते हैं। लाइक कंपनी में कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, R&D, और वहां पर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पर आपके डिपार्टमेंट्स और आपकी सैलरी चार यानी इंटरव्यूअर के माइंड में पहले से ही डिसाइड हो जाती है कि इस कंपनी लड़का हमें चाहिए और लड़का कितना डिमांड करेगा उसको हम देंगे। बट पहले उसकी एक्सपेक्टेशन जानेंगे, उसके बाद उसका जो सैलरी जो है कम बताएंगे, वो आपको कम देने के लिए बोलेंगे और फिर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो दे भी देंगे बाद में सैलरी। यदि आप ये प्रूफ कर देते हो कि आप हो, आपके अंदर वो चीज है जो कंपनी को चाहिए, बस इतना आपको प्रूफ करना होता है। बस किसी भी इंटरव्यू का मेन एम यही होता है कि बस आपको ये प्रूफ करना है, यू आर बेटर फॉर दिस जॉब, ओनली यू हैव टू प्रूव दैट टू योर वर्ल्ड। तो दोस्तों यदि आपसे वो कंपनी का इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आप पुरानी कंपनी क्यों छोड़ दी हो, आप पुरानी कंपनी छोड़कर क्यों आए हैं और क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट तरीके से आंसर देना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं वहाँ पे, मैंने उस कंपनी से तो काफी कुछ सीखा है और उस कंपनी में जो भी चीज सीखने के लिए थी मैंने काफी चीजें सीख ली हैं और रिप्यूटेड कंपनी थी हमारी जो कंपनी थी, बट इस कंपनी के साथ यदि हमें मौका मिलता है तो हम जरूर आएंगे और हम अपना प्रॉब्लम स्किल्स को जो है तो और इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करके, यूटिलाइज करके कंपनी के ग्रोथ में भी अपना हेल्प करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी के ग्रोथ के साथ मैं खुद की ग्रोथ भी देखना चाहता हूँ। दोस्तों आप बोल सकते हैं कि कंपनी के ग्रोथ के साथ आप अपनी खुद की ग्रोथ भी देखना चाहते हैं, इसलिए आप कंपनी का जो है तो गिव अप कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे अलग इंपैक्ट पड़ता है कि आप एक्चुअल में सैलरी लेकर बात कर रहे हैं, एक्चुअल में आपकी जो ग्रोथ है सैलरी पर रुकी हुई थी। और हर एक एम्प्लॉय को भी पता है और इंटरव्यूअर को भी पता है कि जो सैलरी है वो मैटर करती है, कोई भी आदमी काम कर रहा है सैलरी के लिए काम कर रहा है। और यदि आप सैलरी बढ़ाकर यहाँ पे मिल रही है तो हम यहाँ पर ही काम करेंगे, आप उसको इनडायरेक्टली यही चीज शो कर दीजिए, तो बस उसे पता चल जाएगा कि यहाँ बस मैटर जो सबके साथ होता है बस इसके साथ भी वही हो रहा है, इसको भी सैलरी ही चाहिए। तो बस इतना प्रूफ कर दीजिए उसे अपने बातों से। अब लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो मैंने आपसे बोला था सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे वहां पे। यदि आप फ्रेशर है तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, यदि आप फ्रेशर नहीं है तो आप कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि हमारी सैलरी यदि होगी तो हमें एक्सेप्ट होगा। दोस्तों ऐसे भी आप अगर एक्सपीरियंस है तो अपने वर्तमान जो सैलरी है उसको आप रिज्यूम में मेंशन करिए, फिर आप सैलरी स्लिप के साथ अपना रिज्यूम दे सकते हैं। दोस्तों वहां पर होगा क्या कि जो वर्तमान सैलरी है उसे 30% या 20% या 10% जो भी कंपनी के नाम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको हाइक मिलती है, तो आपकी सैलरी बढ़ाकर ऑलरेडी मिलने वाली है। तो आपको इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जाना है। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रकाश सिंह है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर महिंद्रा कंपनी में था और इस टाइम मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको जो ये इंटरव्यू से रिगार्डिंग जो मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, तो जो मेरे पर्सनल जो मैंने वहां से ऑब्जर्व किया था इंटरव्यू से रिगार्डिंग बातें, तो वो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की और उसके साथ मैंने आपसे कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की जो मैंने रिसर्च की और जो मैंने खुद लर्न करके खुद वहां पर मैंने जो रिप्रेजेंट किया था और खुद कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा इंप्रूव किया था, जो कि मैं बोल भी नहीं पाता था वो जो कि वहां पर कुछ एक्सप्रेस कर पा रहा है, वहां पर जाकर कुछ बोल पा रहा है। तो दोस्तों वहां पर ये चीज मैटर करती है कि आप वहां पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे जो चीजें माइंड में वो चीज आप क्या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये चीजें काफी चीजें मैटर करती हैं, तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना है। और आपको दोस्तों बिल्कुल ये चीज का ध्यान देना है कि आप वहां पर लड़खड़ाए नहीं यार, नहीं तो वहां पे ये चीज बिल्कुल इंप्रेशन डाउन कर देता है और आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा यदि किसी भी तरह करके, बट वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो मतलब इंटरव्यूअर एक्चुअल में जो चाहता था एक लड़के से, और आप जो चाहते हैं कि इंटरव्यूअर से कंपनी से, तो वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। सो धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए, आपको इसी तरह से वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।